नमस्कार, मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ आपके सामने। आज तृतीय श्रेणी अध्यापकों ने ट्रांसफर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को उपखंड अधिकारी की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापकों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से तृतीय श्रेणी शिक्षक समुदाय स्थानांतरण की आशा से अपनी सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान कर रहा है, चाहे वह चुनावी कार्य हो या कोरोना काल हो। शैक्षिक कार्यों के साथ साथ सरकार द्वारा प्रवृत्त सभी कार्य बड़ी जिम्मेदारी से निर्वहन किए जाते कर रहा है। चूँकि सरकार द्वारा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के तो समय समय पर स्थानांतरण किए गए, लेकिन अध्यापकों को सिर्फ भरोसा ही दिया गया। चूँकि यह सरकार जन कल्याणकारी नीतियों के लिए जानी जाती है और जनता को इससे बहुत अपेक्षा है। राजस्थान शिक्षक संघ युवा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से बैन हटाने एवं शीघ्र स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कराने का निवेदन करता है। यह शिक्षकों ने मांग की है, ताकि शिक्षकों ने कहा ताकि शिक्षक अपनी सर्वोत्तम सेवा हृदय से प्रदान कर सके। शिक्षक समुदाय इसके लिए आपका सदैव ऋणी रहेगा। यह शिक्षकों ने आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार को यह ज्ञापन सुपुर्द किया गया। आप देख सकते हैं हमारी तस्वीरों में शिक्षक नारेबाजी कर रहे हैं, अपने तबादलों के लेकर कर रहे हैं, साथ ही उनका क्या कहना है हम ये भी सुनाएंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। आज राजस्थान शिक्षक संघ युवा के प्रदेशव्यापी ज्ञापन प्रक्रिया के तहत मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक में SDM साहब की अनुपस्थिति में नायब साहब को सभी शिक्षकों ने मिलकर के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर खोलने संबंधी ज्ञापन दिया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष श्री वनु सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री महेंद्र जी के नेतृत्व में लगभग 40 से 50 शिक्षकों ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए और एक सुर में ताल से ताल मिलाते हुए सभी ने एक सुर में यह जोर से बोलते हुए कहा कि अब सरकार को इस ट्रांसफरों की नींद से जागना ही होगा। एक सरकार का पूरा कार्यकाल निकल जाने के बावजूद भी और दूसरी सरकार का कार्यकाल भी लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ ये अन्याय जारी है। दोनों बाकी सभी श्रेणियों के ट्रांसफर 3 से 4 बार खोल दिए गए हैं, लगभग 2 बार पूरे ऑनलाइन आवेदन भी ले लिए गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पूरा प्रशासन विद सरकार सोया हुआ है और तृतीय श्रेणी शिक्षक जो लगभग 15-20 साल से अपने परिवार को, बच्चों को, सभी अपने सामाजिक कार्यक्रमों को छोड़कर दूर दराज जिलों में रह रहे हैं, उन्हें काफ़ी आर्थिक स्थिति से और काफ़ी सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अंत में कब तक ये अन्याय एक तृतीय श्रेणी शिक्षक सहन करता रहेगा और ये पीड़ा कब तक झेलता रहेगा? आज नहीं तो कल सरकार को जागना होगा। आज ये पहला कदम उठाया गया है कि जब ट्रांसफर के मामले में खुद मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने भी कह दिया है कि जल्दी सरकार अब तोहफा देने जा रही है, तो अंत में कब तक ये दंश तृतीय श्रेणी शिक्षक झेलता रहेगा? आज की प्रक्रिया के तहत यदि जल्दी ही सरकार की तरफ से तोहफा नहीं दिया जाता है तो प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए अगला रुख अपनाया जाएगा।